वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 12 गणित क्लास 9 की वर्कशीट है। आज हम बच्चों संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। देखिए, ऐसी संख्या जिस पर संख्याओं को एक अंतराल के बाद अंकित किया जाए, देखिए आप ध्यान से, तथा कुछ साधारण संख्याओं को दर्शाया जाए। यहाँ पर दर्शाया गया है, ये नंबर लाइन आपने देखा ना, संख्या रेखा आपने बनाई भी होगी ऐसे, इस तरह से आप बना लीजिएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लेफ्ट हाथ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6 दो तरफ के आपने ये बना लिए, ठीक है। और बराबर दूरी होनी चाहिए फुट्टे की मदद से, एक एक सेंटीमीटर की या जो भी इक्वल दूरी आपको लेना है। फॉर एग्जांपल आपको अब दो को संख्या रेखा पे दर्शाना, तो हम कहाँ देख रहे हैं, दो दो ये रहा धनात्मक संख्या है ना, दो ये ध्यान रखना, ये प्लस की है कि नेगेटिव है, माइनस की है, तो ये धनात्मक संख्या है, तो इसको आप राइट में जीरो के राइट में दर्शाएंगे। नाउ अब जीरो क्या है, जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। अब जीरो के जो लेफ्ट में सारी संख्या है वो नेगेटिव है, मान लो माइनस दो को आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो वो ये है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो संख्या रेखा पे हम प्लस की संख्याओं को दाएं हाथ पे और माइनस की संख्याओं को बाएं हाथ पे निरूपित करेंगे, ये मेन बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सभी जो गिनती आपको दिख रही है सब पूर्ण संख्याएं हैं ना, जीरो से लेकर जितनी भी चले जाए, 0, 1, 2, 3, 4 ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करें। तो यहाँ पर उदाहरण है, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा कैसे दर्शाएं, 3/4, 7/4, -5/6, -5/11 और -3/11, -2/11 इनको संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो आप इनको दशमलव में बदल सकते हैं, जैसे 3/4 होता है 0.75, हम देख रहे हैं 0.75 जीरो और एक के बीच में है, ऐसे ही 7/4 होगा 1.75, एक और दो के बीच में है, -5/6, -0.83 आएगा, माइनस है तो ध्यान रखना है जीरो और -1 के बीच में है, ये -1 और 0 के बीच में, -5/11, -0.45 है, -1 और 0 के बीच में है, ठीक। इसी प्रकार ये सब भी आप बना सकते हैं। अच्छा, एक तो ये तरीका दशमलव में बदल के आप संख्या पे दिखा सकते हैं, दूसरा एज इट इज़ भी दिखाया जा सकता है। जैसे कि 3/4 की बात करते हैं, 3/4 का मतलब है कहाँ है, ये हमने ये पता लगा लिया कि 0 और 1 के बीच में है, तो 4, ठीक है, 0 और 1 के बीच में हम क्या करेंगे, 4 बराबर भाग बना देंगे, ठीक है। ये 1, 2, 3 लाइन खींची तो 1 भाग हो गया, 2, 3, 4 भाग हो गया बराबर। शुरू करेंगे 0/4 लिखना, ठीक है, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। नीचे अंश में 4 है ना, तो 4 ही भाग करेंगे, अगर 5 होता तो 5 भाग करते, 6 होता तो 6 भाग करते। तो अब 3/4 हमें साफ दिख गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर हमने क्या किया, पॉइंट आउट कर दिया, ठीक। उसी प्रकार से अब अगला क्या है, 7/4, तो 7/4 को आप देख सकते हैं, 7/4 हमने क्या पढ़ा था, 1 और 2 के बीच में है, तो हमें 1 और 2 पे ध्यान देना है, नीचे 4 है ना, तो 4 हिस्से ही करने हैं, हर में जितना होगा, तो 4 बराबर भाग कर दिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, यानी बीच में 3 लाइनें खींचेंगे तभी 4 भाग होंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4/4, क्योंकि यहाँ से तो 0/4 चल रहा था, तो ये होगा 4/4, तभी तो 1 आएगा ना, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, तो 7/4 पे हमने सर्कल लगा दिया, पॉइंट आउट कर दिया। तो इसी तरह से -5/6 होगा, हमने देखा था कि वो किसके बीच में आ रहा था, -1 और 0 के बीच में, 5/6 इसका मतलब क्या है कि हमें 6 भाग करने हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, बीच में 5 बराबर लाइनें हैं, तो 0 पे ही लिखेंगे 0/6, 0 पे तो 0 ही रहेगा, चाहे 0/6 लिखिए चाहे जो भी है, तो 5/6 है तो 6 भाग हमने किए, तो 0 से शुरू करेंगे, 0/6, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6 और इस पर हम सर्कल लगा देंगे -5/6 पे, क्लियर है। तो ये सवाल आप कर पाएंगे सभी सवाल। चलिए अब इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है, -2 को, तो -2 को आप कैसे दर्शाएंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, ठीक है, फुट्टे की मदद से 0, 1, 2 ऐसे तीर लगा लीजिए, -1, -2, तो -2 कहाँ है, ये रहा, इस पर आपने सर्कल कर दिया, ठीक है। अब पहला सवाल हो गया ना, दूसरा देखिए, ये पहला सवाल है,
दूसरा क्या है, सात को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो लाइन खींचेंगे, सात प्लस की तरफ है, अब जीरो से भी ले सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, बराबर दूरी होनी चाहिए, यहाँ पे सात आ रहा है, इसको आपने सर्कल कर दिया। क्लियर है सवाल नंबर दो। चलिए अब सवाल नंबर तीन की बारी, सात बटा चार है तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं एक और दो के बीच में आएगा ये, तो ये जीरो लिखा, जीरो भी लिखने की जरूरत नहीं, सीधे एक ही लिख लीजिए, यहाँ पे एक और दो लिख लिया हमने, अब इनके बीच में आना है, ठीक है, चार भाग बराबर करने हैं, तो एक दो तीन भाग हमने करे, चार ये हो गए, तो ये होगा चार बटा चार, ये होगा पाँच बटा चार, छः बटा चार, सात बटा चार, आठ बटा चार। अब सात बटा चार कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। क्लियर है सवाल नंबर तीन का आंसर है ये। चलिए अब ऐसे ही माइनस सात बटा चार है, माइनस की तरफ करना है आपको, ये आप खुद कर लीजिएगा। अब आठ बटा ग्यारह है, आठ बटा ग्यारह का मतलब क्या होता है, आठ बटा ग्यारह का मतलब है कि हम नीचे हर ज़्यादा है ना, जीरो और एक के बीच में हो गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जीरो बना लेते हैं और यहाँ पर एक बना लेते हैं, ग्यारह हिस्से चाहिए हमें, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ठीक है, यहीं पे मैं एक लिख लेती हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रही, ये तीर यहाँ लगा लिया, क्योंकि देखिए मैं इसे सीधे फ़ोन से करा रही हूँ तो इक्वल नहीं होगा डिस्टेंस, आप लोग इसे कर लीजिएगा। तो जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो बटा आठ, जीरो बटा ग्यारह, ठीक है, ऐसी ए इसको क्या लिखेंगे, एक बटा ग्यारह, फिर इसको क्या लिखेंगे, दो बटा ग्यारह, तीन बटा ग्यारह, चार बटा ग्यारह, पाँच बटा ग्यारह, छः बटा ग्यारह, सात बटा ग्यारह, आठ बटा ग्यारह, ये होगा, ठीक है, ये वाला हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया, लास्ट वाला जो है 11 बटा 11 होगा, जो एक है ना काउंटिंग, जिसको एक बोला है हमने, वो 11 बटा 11 है, ये है हमारे पांचवें सवाल का आंसर। क्लियर हो गया, रफल हैंड से करा रहे तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही होगी। अब माइनस 9 बटा 11, तो हम क्या करेंगे, माइनस की तरफ गिनती चलेंगे, जीरो और जीरो और माइनस एक के बीच में आएगा ये, माइनस एक जीरो के बीच में, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख लूँगी जो भी है, इसमें भी 11 ही भाग करेंगे, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, तो यहाँ माइनस एक आ गया, माइनस एक को हम लिख सकते हैं माइनस ग्यारह बटा ग्यारह, ठीक है, ज़ीरो होगा ज़ीरो बटा ग्यारह, ये होगा एक बटा ग्यारह, फिर ये क्या होगा, दो बटा ग्यारह, तीन बटा ग्यारह, और ये सब माइनस की गिनती हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रहे हैं ना, ऐसे ही ये हो गया दो तीन चार बटा ग्यारह, पाँच बटा ग्यारह, छः बटा ग्यारह, सात बटा ग्यारह, आठ बटा ग्यारह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है, तो ये हो गया आपका चार बटा ग्यारह, माइनस का लिख देती हूँ मैं, ये हो गया माइनस पाँच बटा ग्यारह, तो ये है माइनस छः बटा ग्यारह, ये है माइनस सात बटा ग्यारह, ये है माइनस आठ बटा ग्यारह, ऐसे ही ये हो गया माइनस नौ बटा ग्यारह, ये वाला है आपका। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, थोड़ा सा एक्चुअली फ़ोन पे परेशानी हो रही होगी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप बना के देखिएगा तीन बटा पाँच को नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे, और कमेंट ज़रूर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं।